बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से हों, खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, आलमोस्ट दिसंबर जनवरी फरवरी अपने अरूज पे होता है। इन तीन माह में सर्दियों का मौसम, हर घर में कोई ना कोई मीठा जो है वो इस मुनासबत से बनता है। मैं आज अखरोट का हलवा बना रही हूँ, मज़े का बनता है। मैं इसकी टुकड़ियाँ काटूंगी क्योंकि मुझे टुकड़ियों वाला अच्छा लगता है। आप इसको थोड़ा सा जो है वो सूजी के हलवे की तरह रखना चाहते हैं तो वैसे भी थोड़ा नरम जो है रख सकते हैं, ज़्यादा नरम रखना है तो ज़्यादा नरम भी रख सकते हैं चम्मच के साथ खाने के लिए, लेकिन मुझे टुकड़ियों वाला अच्छा लगता है। मैं वही बना रही हूँ, तो देखते हैं बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरे पास 4 कप अखरोट हैं, इनको मैं जो है इस चॉपर के अंदर डाल के थोड़ा बारीक करूंगी। बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे, दानेदार रखेंगे थोड़ा सा। 3 से 4 टेबलस्पून मुझे देसी घी के चाहिए होंगे अखरोट को भूनने के लिए। 1 कप यहाँ पे मेरे पास खोया है, 5-6 सब्ज़ इलायचियों के दाने मैंने निकाल के अभी ताज़ा मोटे कुटे हुए यहाँ पर रखे हुए हैं। 1 कप चीनी का जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एवेपोरेटेड मिल्क पड़ा हुआ था, 1 कप से ये कम है। आपके पास नहीं है ये डालना जरूरी नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसको इस्तेमाल करना है, मैं इसलिए डाल रही हूँ। ये जाएगा इसके अंदर, 1.5 लीटर इसके अंदर दूध जाएगा। सबसे पहले जो है वो हम अखरोट पीसेंगे, उसके बाद इनको घी के अंदर भूनेंगे, फिर साथ इसमें दूध डाल के पकाएंगे, फिर बाद में खोया और चीनी और इलायचियाँ मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा पका के थोड़ा गाढ़ा करके निकाल के डिश यहाँ पे मैंने रखी हुई है, इसके अंदर मैं पार्चमेंट पेपर लगा लूंगी, उसके अंदर जमाएंगे, ठंडा हो जाएगा तो उसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं अखरोट पीसती हूँ, सबसे पहले जो है वो अखरोट पीस लेंगे। इतने मोटे जो है वो मैं इनको रखूंगी, इस तरह से इनको पीसना है। बहुत ज्यादा हमने इनको बारीक नहीं करना है। ये देखें, ऐसे हमने करने हैं, थोड़े दानेदार रखने हैं। इससे थोड़ा सा आप और करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं ऐसे ही रखूंगी। अब मैं ये सारे पीस लूं, इनको भूनने लगती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। अखरोट भूनना शुरू करते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून जितना देसी घी जो है वो डाल दिया है सॉस पैन के अंदर। मीडियम हीट के ऊपर जो है वो हम इसको बनाएंगे। सब्ज़ इलायची मैं अभी डाल दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ इलायची की। अब हम डालेंगे इसके अंदर अखरोट। थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाते हुए, लेकिन बनता जो है तो बहुत मज़े का लगता है। फिर घी ठीक है, हमें और नहीं डालना पड़ेगा, 3 टेबलस्पून जितना काफ़ी है। मुझे था कि अगर और डालना पड़ा तो 1 टेबलस्पून और चला जाएगा। इसके अंदर अखरोट बहुत अच्छे से भून जाएंगे। इनको थोड़ा टाइम लगेगा भूनते हुए, थोड़ा भून जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अखरोट जो है वो बहुत अच्छे से भून गए हैं, इन्होंने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब जो है वो इनके अंदर हम डालेंगे दूध, पकाना है हमने इनको। सब्ज़ इलायचियाँ जो मैंने डाली थी ताज़ा कुटी हुई उनकी और भुने हुए अखरोटों की, बहुत अच्छी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो गई है।
साथ ही अब टूट जाएगा अंदर। दूध ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था मैंने, अभी आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू करेगा। साथ ही यहाँ पे मैंने चीनी डाल देनी है। मैं इसके अंदर 1.5 लीटर दूध डाल रही हूँ, क्योंकि साथ मैंने इवेपोरेटेड मिल्क डाल दिया है। आप 2 लीटर दूध डालना चाहें तो 2 लीटर भी डाल सकते हैं। इनको ऐसे मीडियम हीट के ऊपर अब पकने देंगे, चम्मच साथ साथ बराबर चलाते रहेंगे। दूध खुश्क होगा, थोड़ा थिक हो जाएगा ये, इतना कि हमने टुकड़ियाँ जमानी हैं, टुकड़ियाँ जम जाएं। उससे थोड़ी देर पहले इसमें फिर खोया डालेंगे। इसको आराम से ऐसे आप हम मीडियम हीट के ऊपर जो है वो पकने देंगे। चम्मच इसमें बराबर चलाते जाएंगे, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा तो फिर इसके अंदर खोया डाल देंगे। और फिर हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि टुकड़ियां जो है वो हम इसकी जमा सकें। थोड़ा पकता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हलवा बन रहा है, चम्मच में इसके अंदर मुसलसल चला रही हूँ। थोड़ा सा ये पहले से थिक हो गया है। अब मैंने जो खोया रखा हुआ था वो भी अंदर डाल दूंगी ताकि अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आराम से इसको इस तरह से पकने देंगे। हलवा बन रहा है। अब मैंने इसके नीचे हीट जो है वो मीडियम टू लो पे कर दी है। आराम से इसको बनाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है, अदरवाइज ये नीचे लगेगा। और अगर एक दफ़ा नीचे लग जाता है तो फिर इसके अंदर से जो स्मेल आती है उससे आप खा नहीं सकेंगे इसको। थोड़ी मेहनत होती है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा और ठीक होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूँ। ये देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गया है। इसके छींटे भी पड़ेंगे, सो बहुत एहतियात के साथ इसको बनाइएगा। चम्मच मैं बार बार कह रही हूँ, आपको मुसलसल इसके अंदर चलाना पड़ेगा, अदरवाइज ये नीचे लगता है। थोड़ा और थिक होता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। बन रहा है, मैंने कहा एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ। इसके अब छींटे उड़ने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। सोन हलवा बनाते हैं तो उसके भी इसी तरह से छींटे उठते हैं। मैंने अब इसके ऊपर दिया हुआ है ढक्कन, साथ साथ में इसमें चम्मच हिला रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद। घी इसने छोड़ा हुआ है साइडों पे, बस अब इसको हम इसी तरह अच्छे से जो है वो सख्त होने देंगे, थोड़ा इसको ड्राई होने देंगे। बहुत हद तक जो है वो दूध खुश्क हो रहा है, दूध जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा सा मज़ीद ठीक करेंगे। अब इसके छींटे जो है वो पहले से कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं इसको थोड़ा ढाँप के ही पका रही हूँ, क्योंकि छींटे उठते हैं तो फिर दूर तक जाते हैं। बहुत हद तक जो है वो थिक हो चुका है। अगर आपने इसकी टुकड़ियाँ नहीं बनानी है तो इसकी ये जो स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ही खाया जाता है, ये रिच होता है,
मैं इसको थोड़ा सा और करूँगी ताकि इसकी टुकड़ियाँ जो है वो बनाएं हम। ऑयल छोड़ा हुआ है हलवे ने, ऑलमोस्ट ये बन गया है। शुरू में मैंने इसको भुना था देसी घी डाल के। आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, ऑयल डालना है तो ऑयल डाल सकते हैं, और अगर आपने ऑयल भी नहीं डालना तो इनको वैसे ही आप टोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा भुने और उसके बाद फिर दूध डाल दें। बिल्कुल इसका जो है वो हलवा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसा था, थोड़ा दानेदार रखा था। इसका टेक्सचर जो है वो पता लग रहा है, नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं 3 से 4 मिनट और इसी तरह से भूनूंगी और उसके बाद फिर इसको निकाल के डिश में डाल देंगे। ठंडा होगा तो फिर इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। हलवा हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश के अंदर डाल के जमा दूंगी, ठंडा हो जाएगा तो इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। डिश के अंदर पार्चमेंट पेपर मैंने बेटी से कहा था लगा दो। अक्सर मैं कहती हूँ लगाने के बाद इसके अंदर जो है वो देसी घी या बटर लगा दिया करो या ऑयल लगा दिया करो। उसने आज मेरे कहने से पहले देसी घी लगा दिया है ऊपर। इससे ये होगा कि हमें हलवे को निकालना जो है आसान हो जाएगा। घी तो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। इसको बराबर करेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसकी टुकड़ियां बना लेंगे। ठंडा होता है तो फिर इसकी टुकड़ियां काटते हैं। अखरोट का हलवा हमारा ठंडा हो चुका है, इसको अब निकाल के इसकी टुकड़ियां काट लेंगे। पार्चमेंट पेपर में रखते हैं तो फिर निकालना और काटना जो है वो आसान हो जाता है। टी वाला अखरोट का हलवा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। इसे आप ग्रीन टी के साथ सर्व करें, कहवे के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। मज़ेदार अखरोट का हलवा, मज़ेदार अखरोट का हलवा तैयार है। इसे आप ग्रीन टी या कहवे के साथ सर्व करेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। आम चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।